जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों, मैं दामोदर प्रजापत आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो तो दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में पहले ही रीड कर लिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला द्वारा लॉन्च एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, उस स्मार्टफोन का नाम है Moto E7i। तो दोस्तों, Moto E7i और दोस्तों, ये स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने वाला है या फिर ग्लोबली लॉन्च होने वाला है या फिर कोई अलग कंट्री में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, उस कंट्री में यदि वो अलग कंट्री में लॉन्च होने वाला है तो दोस्तों उसका नाम क्या है उस कंट्री का और दोस्तों उसकी लॉन्च डेट क्या होने वाली है, साथ ही में उसकी छोटी सी स्पेसिफिकेशन भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल दामोदर को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास में स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, अनबॉक्सिंग रिलेटेड और रिव्यू यूनिट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी जान सके Moto E7i की कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटोरोला इयान या फिर Moto E7i की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में और दोस्तों उससे जुड़े कुछ फीचर्स के बारे में, और दोस्तों आपको बताऊंगा उसकी लॉन्च डेट और लॉन्च पैलेस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप स्मार्टफोन के स्मार्ट लवर हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों आप उनको देखकर भी स्मार्टफोन की स्मार्ट नोटिफिकेशन पा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी लॉन्च डेट होगी 19 फरवरी, यानी आज से कल। तो दोस्तों, कल होगी 19 फरवरी यानी 19 फरवरी को ये लॉन्च होगा। पर दोस्तों, ये कहाँ पर लॉन्च होगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी कि ये भारत में लॉन्च होगा या फिर कोई अलग कंट्री में लॉन्च होगा या फिर किसी ग्लोबली लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ना तो भारत में लॉन्च होगा ना ही दोस्तों ग्लोबली लॉन्च होगा, यह होगा एक अलग पर्टिकुलर कंट्री में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, उस कंट्री का नाम है थाईलैंड। तो दोस्तों, यह स्मार्टफोन थाईलैंड में लॉन्च होगा और थाईलैंड में लॉन्च होने की वजह से हमें इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी ही पता चली। पर दोस्तों, जितने ही स्पेसिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो दोस्तों यूनिक स्पेसिफिकेशन हो सकती है और दोस्तों उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में, यानी Moto E7i की स्क्रीन कितने इंच की होने वाली है और दोस्तों इसमें HD डिस्प्ले होगा या फिर Full HD डिस्प्ले इसमें दिया गया होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 6.5 इंच की Full HD+ डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसमें आप बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, यानी इसका कस्टम UI या फिर एंड्रॉयड वर्जन कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें कस्टम UI या फिर एंड्रॉयड वर्जन आप कुछ भी बोल सकते हो, वो होगा Android 10 Best पर आपको एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में कि इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है मोटोरोला कंपनी के द्वारा Moto E7i में। तो दोस्तों, इसमें ऑक्टाकोर का मीडियाटेक ऑक्टाकोर हीलियो का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा और दोस्तों संभावित है कि ऑक्टाकोर का प्रोसेसर ही कोई लिमिट नंबर के साथ ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में स्पेसिफिकेशन छोटी है पर दोस्तों वीडियो में आपको नॉलेज यूनिक मिलने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, थाईलैंड में लॉन्च होने के बाद थाईलैंड की कुछ स्पेसिफिकेशन हमने इस वीडियो में बता रखी है। तो दोस्तों, उसके मुताबिक और दोस्तों थाईलैंड के द्वारा लॉन्च या फिर थाईलैंड में लॉन्च इस स्मार्टफोन के टिप्स सर या फिर ट्विटर अकाउंट में इसकी कुछ फोटोज़ के लीक के कारण हमें यह स्पेसिफिकेशन आपको बताने का मौका मिला है। तो दोस्तों, इसमें इस कैमरा सेटअप की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको रियर साइड में ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ड्यूल रियर कैमरा कितना मेगापिक्सल होगा तो दोस्तों वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक तो होगा 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दोस्तों इसका दूसरा सेकेंडरी कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों, रियर साइड रियर पैनल में स्थित सभी कैमरे यानी ड्यूल रियर कैमरे के बारे में मैंने तो आपको बता दी, पर दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, इसमें फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिर में इसकी
बैटरी वेरिएंट के बारे में या फिर बैटरी सेटअप के बारे में। तो दोस्तों इसमें बैटरी आपको 5000 mAh की ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बैटरी के साथ ही हमारी स्पेसिफिकेशन यहीं पर समाप्त होती है, पर दोस्तों अब बताना चाहता हूँ इसमें उपस्थित कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें फीचर्स नॉर्मल इसमें सभी स्मार्टफोन में जो फीचर्स उपस्थित होते हैं वही सभी स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन यानी मोटो E7i में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मोटो E7i में आपको देखो एक तो 3.5 mm का ऑडियो जैक और दोस्तों GPS वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड मैनी मोर्स फीचर्स जो अदर स्मार्टफोन में पाए जाते हैं या फिर देखने को मिलते हैं वो सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन और ये फीचर्स आपको कैसे लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे भारत में लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन यानी मोटो E7, तो दोस्तों मोटो E7 की स्पेसिफिकेशन यदि आपको जाननी है तो दोस्तों वो हम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए ला दूंगा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में जरूर जाइए कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई या फिर बोलने में कोई किसी भी प्रकार की गलती हो गई या फिर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की खामी नजर आती है तो दोस्तों वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आने वाले कुछ वीडियो में मैं उन गलतियों को सुधार सकूं और आपके लिए एक बेटर वीडियो बनाकर ला सकूं। तो दोस्तों एक जरूरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल दामोदर को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास में स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिलेटेड रिव्यू यूनिट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वह भी जान सके इस मोटोरोला द्वारा लॉन्च मोटो E7i की कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।